तो हेलो दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखने वाले दोस्तों एक हेड क्लीनिंग करने का एकदम सबसे बढ़िया तरीका और एकदम नया तरीका इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इप्सॉन प्रिंटर का जी सीरीज से जितना भी प्रिंटर है उस प्रिंटर को जब हम नॉर्मली उसका हेड क्लीनिंग करते हैं तो हमारे प्रिंटर में रेड लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है लेकिन अगर मैं ये जो ट्रिक बताने वाला हूँ इस ट्रिक से अगर आप हेड क्लीनिंग करते हैं तो आपके प्रिंटर में रेड लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम नहीं आ सकता और एकदम सेफली एकदम नई तरीके से हम हेड क्लीनिंग करने वाले हैं तो वीडियो में बने रहेगा दोस्तों हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने एक फ़ाइल दे दिया है तो यहाँ पर इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर दिया है तो उस फाइल को हम सबसे पहले ओपन करेंगे वीडियो अंत तक ज़रूर देखेगा तभी आपको ये हेड क्लीनिंग नए तरीके से कैसे करना है ये समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले मैं उसको ओपन कर देता हूँ ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर फिर से हम उसको ओपन करेंगे और यहाँ पे दो नंबर का जो ऑप्शन है तो उस दो नंबर के ऑप्शन को यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है जैसे हम उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें विंडोज़ देखने के लिए मिलेगा तो इसको हमें ओके okay कर देना है ओके okay करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारे प्रिंटर को ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद यहाँ पर हमें उसको सेलेक्ट कर देना है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा दोस्तों इसमें मैं हेड क्लीनिंग कैसे करना है ये बताने वाला हूँ अगर आपके रेड लाइट ब्लिंकिंग का अगर आप इस प्रकार से उसको हेड क्लीन करते हैं तो आपके प्रिंटर में रेड लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकता तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रिंटर ऑन करके हमारे प्रिंटर को सेलेक्ट कर देना है एल सीरीज का जितना भी प्रिंटर है वो सब में ये ट्रिक काम करते हैं तो यहाँ पर मैंने उसका ये हमारा प्रिंटर सेलेक्ट कर दिया है तो यहाँ पर मैं उसको ओके okay कर देता हूँ ओके okay करने के बाद यहाँ पर हमें जाना है पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड पर हमें क्लिक कर देना है जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमें मेनू देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पर हमें हेड क्लीनिंग पे क्लिक कर देना है जैसे हम हेड क्लीनिंग पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमें ओके कर देना है ओके करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें विंडोज़ देखने के लिए मिलेगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सी एल वन यहाँ पर दिख रहा है तो उसके ऊपर यहाँ पे हमें कुछ और भी हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहला एक जो पहला नंबर का जो ऑप्शन है उसको उसको ही सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे क्लीनिंग पे क्लिक कर देना है इस कंडीशन में हमारा जो प्रिंटर है ये प्रिंटर ऑन होना चाहिए तो हमें क्लीनिंग पे हमें क्लिक कर देना है तो यहाँ पर मैं उस क्लिनिंग पे क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं क्लीनिंग पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारे प्रिंटर पे कुछ इस प्रकार से ये प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा क्लीनिंग अभी स्टार्ट हो चुका है तो हमारे प्रिंटर पे अभी ये हेड क्लीनिंग हो रहा है दोस्तों मैं यकीन यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये अगर आप इस प्रकार से हेड क्लीनिंग करते हैं तो आपके प्रिंटर में कभी भी रेड लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम नहीं आ सकता तो ये जो फाइल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो वहाँ पर जाके आप उसको इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से आप उसका हेड क्लीनिंग कर सकते हैं लेकिन मानिएगा दोस्तों ये जो ट्रिक है मैंने ये ट्रिक मैं अपनाया है और अपनाने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको हेड क्लीनिंग कर देना है जैसे हम नॉर्मली हेड क्लीनिंग करते हैं कंट्रोल पैनल में जाके हम प्रिंटर को सेलेक्ट करके वहाँ पर प्रिंटर प्रेफरेंस में जाके हम उसको वहाँ से भी उसमें हम हेड क्लीनिंग कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर ज़्यादा शक्यता है कि हमारे प्रिंटर में जैसे हम हेड क्लीनिंग करते हैं कुछ थोड़े दिन यूज़ करने के बाद हमारे प्रिंटर में रेड लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है लेकिन यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से अगर आप हेड क्लीनिंग करते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों ये ट्रिक मैंने आजमाया है ये मैंने ट्रिक अपनाया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से अगर आप हेड क्लीनिंग करते हैं तो आपके प्रिंटर में रेड लाइट ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम नहीं आ सकता तो मैं आपके सामने सब कुछ लाइव करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर हमारा जो हेड क्लीनिंग है ये अभी स्टार्ट हुआ है तो ये हमारा हेड क्लीनिंग अभी चल रहा है उसकी प्रोसेस अभी चल रही है अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पसंद आए तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको हेल्पफुल लगा तो ही आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है ये उनको भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए तो नहीं तो आप नहीं किए तो भी चलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंटर का हेड क्लीनिंग है ये अभी प्रोसेस चल रहा है तो उसके आगे हमें क्या कर देना है ये भी मैं बताऊँगा तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है दोस्तों एकदम वीडियो इंटरेस्टिंग है और ये जो ट्रिक है एकदम हंड्रेड परसेंट वर्क करती है दोस्तों एकदम हंड्रेड परसेंट ये ट्रिक वर्क करती है अगर इस सॉफ्टवेयर का जो लिंक अब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो इस फाइल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर वहाँ से आप फ्री में उसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो हेड क्लीनिंग है ये प्रॉपरली हो गया है द हेड क्लीनिंग हैज़ बिन कंप्लीटेड प्रॉपरली यहाँ पे आ गया है तो हमारे प्रिंटर का जो हेड क्लीनिंग है ये यहाँ पर हो गया है तो कुछ इस प्रकार से हमें मैसेज आ गया है। तो यहाँ पर हम उसको अभी तो उसका हेड क्लीनिंग हो गया है तो हम उसको ओके okay कर देते हैं ओके okay करने के बाद यहाँ पर हम उसको प्रिंट करके देखेंगे तो उसका प्रिंट कैसे आता है उसका नोजल चेक प्रिंट हम अभी करेंगे तो उसके लिए हम उसको बैक कर देते हैं बैक करने के बाद यहाँ पर मैं उसको भी कट कर देता हूँ यहाँ पर मैंने सब कुछ बैक कर दिया है तो हमें जाना है सिंपली हमारे कंट्रोल पैनल में हमें सिंपली जाना है कंट्रोल पैनल में जाके जाने, जाने के बाद अगर आपको कंट्रोल पैनल कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल सर्च कर सकते हैं जैसे हम कंट्रोल पैनल सर्च करते हैं तो वहाँ पर तो कुछ इस प्रकार से हमें मेनू दिखाई देगा तो हमें यहाँ पे हार्डवेयर एंड साउंड वहाँ पर हमें क्लिक कर देना है और उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन है डिवाइस एंड प्रिंटर्स तो वहाँ पर हमें क्लिक कर देना है जैसे हम वहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस प्रकार से विंडोज़ हमें देखने के दे लिए मिलेगा तो यहाँ पर हमारा प्रिंटर जो है ये सेलेक्ट दिख रहा है तो उसमें हमें राइट क्लिक कर देना है और राइट क्लिक करके हमें जाना है प्रिंटर प्रेफरेंस पे हमें क्लिक कर देना है तो मैं प्रिंटिंग प्रेफरेंस पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो कुछ इस प्रकार से हमें मेनू दिखाई देगा तो यहाँ पे हमें मेंटेनेंस में जाना है मेंटेनेंस में जाने के बाद आप यहाँ से भी आप उसका हेड क्लीनिंग कर सकते हैं और जैसे मैंने स्टार्टिंग में हेड क्लिन किया था उस प्रकार से भी आप उसका हेड क्लीनिंग कर सकते हैं लेकिन जो पहले वाला मैंने जो बताया है ये वो जो स्टेप है वो सबसे बेहतर है तो यहाँ पर हमें नोजल चेक हमें उसके ऊपर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ये प्रोसेस लेगा थोड़ा सा समय भी लग सकता है तो यहाँ पे प्लीज़ वेट बता रहा है तो देखते हैं आगे क्या होगा तो यहाँ पर ये यह जो तो यहाँ पर ये यह जो प्रोसेस है अभी चल रही है तो कुछ इस प्रकार से ये विंडोज़ आ गया है तो हमें यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे प्रिंटर में एक प्रिंट आ जाएगी प्रिंट देने के बाद यहाँ पर हमारा प्रिंटिंग का अभी क्वालिटी हम देख सकते हैं अगर उसमें कुछ डॉट डॉट्स ज़्यादा दिख रहे अगर कुछ उसमें डॉट आए ही नहीं तो हम फिर से हेड क्लीनिंग करेंगे तो यहाँ पर हमारा हेड क्लीनिंग जो है एकदम प्रॉपरली हो गया है तो इसलिए हमारी जो प्रिंटिंग है एकदम साफ़ प्रिंट आ गई है तो दोस्तों आप भी कुछ इस प्रकार से उसका हेड क्लीनिंग कर सकते हैं तो मैंने इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो वहाँ पर जाके आप उसका उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रिंटर का हेड क्लीनिंग कर सकते हैं तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारा जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँच सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में